जब मैं मंच पे आया तो मैं सोच रहा था ये भीड़ है, वो यहां नजर भी नहीं पहुंच रही, लेकिन जब उस तरफ देखा तो मैं हैरान हो गया, इतनी बड़ी तादाद में लोग, और मैं नहीं मानता हूं शायद उनको दिखाई भी नहीं देता होगा, सुनाई भी नहीं देता होगा, इतने दूर दूर लोग झंडे हिला रहे हैं। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद हमें आपके लिए दिन रात काम करने की प्रेरणा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकत देते हैं। 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था, आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। आईसीएमआर के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। मैं यूपी के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। गोरखपुर में आज हो रहा आयोजन इस बात का भी सबूत है कि नया भारत जब ठान लेता है तो इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साथियों, जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया था तो उस समय देश में फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत बुरी स्थिति में था। देश के कई बड़े बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे और विदेशों से आयात लगातार बढ़ता जा रहा था। एक बड़ी दिक्कत ये भी थी कि जो खाद उपलब्ध थी उसका इस्तेमाल चोरी छिपे खेती के अलावा और भी कामों में गुपचुप चला जाता था, इसलिए देश भर में यूरिया की किल्लत तब सुर्खियों में रहा करती थी। किसानों को खाद के लिए लाठी गोली तक खानी पड़ती थी। ऐसी स्थिति से देश को निकालने के लिए ही हम एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। हमने 3 सूत्रों पर एक साथ काम करना शुरू किया।
एक, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका, यूरिया की शत प्रतिशत नीम कोटिंग की। दूसरा, हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। और तीसरा, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया।